नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है। हर बार भारत के हाथों पिटने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेता। पाक पीएम इमरान खान यूएन यूएनएचआरसी जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर कश्मीर चिल्लाते नहीं थकते, लेकिन जब पीओके में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की बात आती है तो इमरान खान का हलक सूख जाता है। चीन के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार का सवाल किया जाता है तो उनसे जवाब देते नहीं बनता। इसी से साबित हो जाता है कि इमरान किस तरह से मुसलमानों के नाम पर भी दोहरा रवैया रखते हैं। दरअसल जर्मनी के एक न्यूज़पेपर डाइचे वेले ने हाल ही में इमरान खान का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। इमरान ने कहा कि दुनिया ने कभी कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया। हांगकांग प्रदर्शन को टीवी पर दिखाया जा रहा है, लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है उस पर कोई बात नहीं करता। इमरान ने दावा किया कि पीओके में सब कुछ ठीक है, यहाँ पर ईमानदारी से चुनाव होते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वर्स की टीम पीओके जाकर देख सकती है, लेकिन भारत के हिस्से वाले कश्मीर में ऐसा नहीं है। वहाँ ना कोई जा सकता है और ना ही वहाँ के हालात ठीक है। हालांकि इमरान के मुंह से कश्मीर का रोना कोई नई बात नहीं है। भारत के खिलाफ जहर उगलने में उनको महारत हासिल है, और बात जब कश्मीर की हो तो उनके पास तो झूठ का पूरा पुलिंदा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कश्मीर के मुसलमानों के मानवाधिकारों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले इमरान से जब चीन में उइगर मुसलमानों की हालत पर सवाल किया जाता है तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। इंटरव्यू के दौरान जर्मनी के पत्रकार ने सवाल किया कि वो भारत के मुद्दों पर तो इतना विरोध करते हैं, लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों पर चुप क्यों हो जाते हैं? तो इसका जवाब देते हुए इमरान ने कहा, भारत में जो हो रहा है उसकी तुलना चीन में उइगरों के साथ नहीं हो सकती। दूसरा, चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, उसने हमारी सरकार को विरासत में मिले आर्थिक संकट से निकालने में मदद की है, इसलिए हम चीन के साथ संवेदनशील मुद्दों पर निजी तौर पर बात करते हैं, न कि सार्वजनिक तौर पर। इसके बाद पत्रकार ने एक बार फिर उनसे पूछा कि आप कश्मीरी लोगों की आजादी की वकालत करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया आपकी मांग पर तब ज्यादा ध्यान देगी जब आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों की अनुमति देंगे? जिस पर इमरान ने जवाब दिया कि पाकिस्तान तो पीओके में जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार है, उन्हें फैसला करने दीजिए कि वो पाक के साथ रहना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और दुनिया भर में भारत को घेरने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसके हाथ हार ही लगे। ज्यादातर देश इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं और इसे दो देशों के बीच का मामला मानते हैं।